हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यूसी पॉइंट। आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले बात करेंगे एलियन ब्लॉक्स की। रिसेंटली एलियन ब्लॉक्स ने जब वो राइड पर निकले थे तो बीच में उनको एक बहुत ही खतरनाक वाला सड़क हादसा देखने के लिए मिलता है। सो इसी के बारे में बात करते हुए उस इंसिडेंट को दिखाते हुए एलियन ब्लॉक्स ने क्या कहा, आइए जान लेते हैं। ओ भाई देख रहे हो यार, कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है भाई। गाड़ी की हालत देख रहे हो, इन दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ, बचा ही नहीं है भाई गाड़ी का कुछ। कब हुआ भाई ये? अभी हुआ भाई, बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ है, देख रहे हो, बचा ही नहीं है गाड़ी का कुछ भाई। दोनों गाड़ियां टोटल लॉस है यार, टोटल लॉस है दोनों साइड से। देखो बैटरी वगैरह सब कुछ बाहर आ गया गाड़ी का, इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ है, देख रहे हो। इसका इंजन वगैरह भी सब फट गया होगा, जो हालत है ना इसकी, इस वाली की ज्यादा बुरी हालत है, उस वाली की उसकी भी बहुत बुरी हालत है यार, वो भी खत्म है पूरी आगे से, फ्रंट से दोनों गाड़ियां खत्म हो गई हुई है यार, इतनी बुरी हालत है इनकी। पर यहाँ पे ना पुलिस है ना एम्बुलेंस है, चक्कर क्या है गाइस। So, जैसे कि आप लोगों ने गाड़ियों की हालत देखी होगी, आई होप कि उनके दोनों जो गाड़ी के पैसेंजर होंगे, जो ड्राइवर होंगे, वो आई होप ठीक हो, सही सलामत हो। तो इसी के साथ चलते हैं अपने अगली स्टोरी की तरफ। बात करेंगे आमिर माजिद की। रिसेंटली आमिर माजिद को एक पत्रकार मिला जिन्होंने लास्ट टाइम आमिर माजिद का इंटरव्यू लिया था और उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट करी है कि एक और बार इंटरव्यू किया जाए। तो इसी के बारे में आमिर माजिद ने पत्रकारों को लेकर क्या कहा, आइए जान लेते हैं। तैयार है? हाँ बाबा यार, एक और करना है। अब कब करना है बताओ, आप खुद बताओ टाइम। जब आप बोलोगे आप कांटेक्ट नहीं हो पाता आपसे। ओके मेरे साथ। तो ये अभी कोई न्यूज रिपोर्टर था मेरा भाई, अभी तक तो मैं तुम्हें बता दूं न्यूज वालों की बहुत बुरी हालत है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। बट चलो ये बंदे के मैं ना न्यूज सुनता रहता हूँ, क्योंकि कोई जम्मू में एक दो बंदे हैं जो अच्छी न्यूज डालते हैं, रियलिटी डालते हैं, बट ऐसे फेक वाले बंदे बहुत है। मेरी माँ परेशान हो गई थी, मैंने माँ को बोल दिया मैं ये पैसे का मसला, मम्मी जी पैसे का मसला। तो जैसे कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, आमिर माजिद का कहना है कि जम्मू में रिपोर्टर्स की, न्यूज रिपोर्टर्स की काफी हालत खराब है, तो न्यूज रिपोर्टर्स को हमेशा सच्चाई का और सच का साथ देना चाहिए। सो आप सभी का क्या ओपिनियन है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सो इसी के साथ चलते हैं अपने अगले स्टोरी की तरफ। बात करेंगे जटप्रप जोत की। जटप्रप जोत ने रिसेंटली अपने फिजियोथेरेपिस्ट से बात करी और कब तक वो ठीक हो जाएंगे इसी के बारे में बताया। सो आइए जान लेते हैं कि जटप्रप जोत फाइनली कब तक एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। अभी वापसी घर जा रहे हैं, 3-4 महीने का अभी कोर्स और है फिजियो का, उसके बाद मैं खुद भी एक्सरसाइज करता रहूंगा प्रॉपर। पहले की तरह रिकवर होने के लिए ना कम से कम अभी भी 6 महीने और लगेंगे। आप लोगों को लग रहा हो कि मैं चल रहा हूँ फिर रहा हूँ, हाँ, लेकिन 6 महीने मेरे को प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी मैं पहले जैसे फिट हो पाऊंगा। सो जैसे कि आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, जटप्रप जोत का कहना है कि पहले के जैसे उनको ठीक होने में 6 महीने और लगेंगे, उसके बाद ही वो आगे के व्लॉग्स वगैरह शूट कर पाएंगे। सो आप सभी का क्या ओपिनियन है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। सो आज की स्टोरी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और इसी तरीके से वीडियो देखना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।